हेलो एवरीवन, दिस इज प्रद्युम्न एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि क्लास ट्वेल्थ के बाद आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम जो आपकी आपको देने चाहिए, चाहे आप मैथ्स से बिलोंग करते हो, बायोलॉजी से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, एग्रीकल्चर से, हर फील्ड के लिए आज के वीडियो में बताऊँगा। जितने भी कॉमनली एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी आपके लिए मैं आज के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ये कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए नहीं है, सभी स्ट्रीम के लिए है। तो छोटी सी बात अगर मैं ये बताऊँ कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्यों देने चाहिए, ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है, कुछ चीज़ें हाई लेवल की होती है। कहने का मतलब कुछ लोगों को क्या होता है कि एक केवल लाइफ जिंदगी जीवन केवल काटना होता है, कुछ लोगों को लगता है कुछ नया या बड़ा करके दिखाना है, ठीक है। तो बड़ा करके दिखाने के लिए आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा एजुकेशन चाहिए तो अच्छे इंस्टीट्यूट चाहिए। इसीलिए आपको क्या है, ये एक तो पहला हो गया कि आपको अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है तो आपके लिए अवेलेबल कराए जाते हैं। तो स्पेसिफिक कोर्स अगर आप करना चाहते हो ट्वेल्थ के बाद किसी भी स्ट्रीम से, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट, एग्रीकल्चर, तो इसके लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है ताकि आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके, पहली बात, ठीक है। रिप्यूटेड जिसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है, ये बोल सकते हो। दूसरी बात, आपको गवर्नमेंट अगर मिल गई तब तो फिर चांदी ही चांदी है, मतलब ना तो कोई फीस लगनी ना तो कुछ भी, ठीक है। तो मतलब अगर दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट चाहिए तो आपको तब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। तो बेसिकली मेरे पास कुछ आपके लिए हर फील्ड के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम बताए। इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर आप उस स्पेसिफिक फील्ड से बिलोंग करते हो, स्पेसिफिक स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को जरूर देना। तो चलो एक नज़र देख लेते सभी पे। तो सबसे पहला अपना होता है जेई मेन, ठीक है, जिसे जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और जो ये कौन करवाता है, CBSE करवाता है, साल में दो बार कंडक्ट करवाता है। ये कौन बच्चे दे सकते हैं, मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम किस लिए दिया जाता है, ताकि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सके, ठीक है, IIT लेवल का, IIT NIT का इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सके, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है जेई एडवांस। जेई एडवांस क्या होता है है दोनों सेम चीज़, थोड़ी इससे एडवांस, नाम से ही लग रहा है एडवांस, मतलब इस ये कौन करवाता है, NTA करवाता है। और जो है तो इसको मैथ्स वाले ही करवाएंगे, जिनके में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, जो बच्चा पढ़ रहा है वही जो है तो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। इसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये हो कि जेई मेन का उसका क्लियर होना चाहिए। जेई मेन में 1.5 लाख की रैंक, 1.5 लाख की रैंक जब रैंक में नंबर आए तब जाके ये जेई एडवांस का बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। तब जाके IIT NITs की जो 23 मतलब 23 जो IIT NITs की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो उनका नंबर आता है, ठीक है। तो जे अगर मैथमेटिक्स से हो तो 100% आपको जेई मेन, जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं सभी ये तीन चीज़ें तो बता दूंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम दोगे, इसके बाद ये भी बताऊंगा कब से आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर देनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा एग्ज़ाम है नाटा, ठीक है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये अपने नाम से ही लग रहा है कि आर्किटेक्चर, मतलब जो बी आर्क करना चाहते हैं, ठीक है, बी आर्क में कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग का, वो ये कोर्स, ये नाटा का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं केवल एग्ज़ाम्स के नाम बताऊंगा। अगर आप कहोगे कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक एग्ज़ाम में स्पेसिफिक पर्टिकुलर वीडियो बना दें डिटेलिंग, मतलब सिलेबस, एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब कहने का मतलब सारी चीज़, मतलब जैसे अगर मैं पूछूं JEE एडवांस, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं आपको बाद में बना दूंगा, अगर जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप कमेंट करोगे, ठीक है। आगे बढ़ें, फिर इसके बाद आप नीट का दे सकते हो। इसको मैं बात करूं तो ये भी मैथ्स वाला बच्चा ही देगा, नाटा का एग्ज़ाम मैथ्स वाला बच्चा ही देगा, ठीक है। आगे आप बढ़ें, नीट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये बायोलॉजिकल एक जो कि मेडिकल फील्ड होता है, मेडिकल फील्ड के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, MBBS जैसे डॉक्टर बनना है, ठीक है, इसके लिए जो तो ये नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपको अच्छे एक बेहतर लेवल के इंस्टीट्यूट मिल जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती करने के लिए, ठीक है। और अगर अच्छी रैंक लग गई तो फिर बेहतर ही चांदी चांदी हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो और चांदी हो गई, फीस लगना नहीं है, जिसमें 10 से 15 लाख रुपए नेट में लगते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो फिर चांदी हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका ये बायोलॉजी फील्ड का हो गया, ठीक है, मैं बताते जाऊँ, ये तीनों मैथ्स के, ये बायोलॉजी का हो गया, ये एम्स का भी बायोलॉजी का है, ये आप ट्वेल्थ के बाद भी दे सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं आप अभी और आपने ट्वेल्थ में नहीं दिया है अभी, तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हो इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये क्या होता है, इससे थोड़ी सा कहा जाए तो इससे ये जो होता है थोड़ी सी हाईएस्ट लेवल का होता है, सुपर लेवल का होता है, ठीक है, सुपीरियर लेवल का, क्योंकि ऑल इंडिया का होता है, ठीक है। तो एम्स का एग्ज़ाम आप दे सकते हो ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हो, ग्रेजुएशन से पहले भी। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी कहा जाता है एम्स की
कॉलेजेस हैं, ठीक है, समथिंग इंडिया में 9 शायद एम्स की कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप बायोलॉजी से हो अगर आप, तो इस एंट्रेंस एग्जाम को जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला आप देखें क्लैट का एग्जाम, ठीक है। क्लैट क्या होता है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। अगर आपको एडवोकेट वगैरह बनना है, लॉ वगैरह में करियर बनाना है, तब आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं क्लैट का, जिसमें कॉमर्स और आर्ट दोनों बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। मैथ्स बायोलॉजी को तो वैसे भी प्लस में एडिशन है जैसे स्ट्रीम में होता है, उसी तरीके से आपको क्या है कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे स्पेसिफिकली ये दे सकते हैं, लेकिन कॉमर्स आर्ट वाले बच्चे ये एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। चलो, ये क्लैट का एग्जाम दे सकते हो, तब आपको जो है तो लॉ की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज मिल जाती है, कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। आगे बढ़े तो AILET दे सकते हो, ये भी लॉ का ही एंट्रेंस एग्जाम है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जो है तो ये कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये आप जो है तो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये भी कॉमर्स और आर्ट्स के लिए है, ठीक है। मैथ साइंस तो वैसे भी है, एग्रीकल्चर वगैरह। आगे फिर से बढ़े NIFT, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्टेड हैं, आपको उस पे करियर बनाना है, तो पर्टिकुलरली प्राइवेट से करने की क्या जरूरत है, पहले आप एंट्रेंस दे लो। एंट्रेंस देने से आपको भी नॉलेज हो जाएगा थोड़ी। देखो यार, एंट्रेंस एग्जाम से ये बूस्टिंग मिलती है कि आप एक लड़ाकू विमान बन जाते हैं, लड़ाकू स्टूडेंट बन जाते हैं, कि मतलब आपको एक पहले से रहता है कि ये चीज, मतलब आपका 11th 12th तो है ही, इसके अलग से कुछ ना कुछ पढ़ के चलना है, ठीक है। तो इससे आपको पढ़ने की, स्टडी की आदत पड़ जाती है, एक स्टूडियस बंदे हो जाते हो। इसलिए बोल रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो। तो अगर आपको फैशन टेक्नोलॉजी में आपको करियर बनाना है, तो आपको NIFT का एंट्रेंस देना चाहिए, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कब से आपको स्टार्ट करना चाहिए, एंड ऑफ द वीडियो। फिर आप SAT के एग्जाम दे सकते हो, स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए कॉमर्स और आर्ट्स सभी स्टूडेंट बात कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है NID का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप ये क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अगर आप डिजाइनिंग वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप NID का एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो बढ़िया चांदी हो गई। फिर इसके बाद AIED का एग्जाम दे सकते हो, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, ठीक है। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ये एक सेम होती है, थोड़ी सुपीरियर लेवल का एग्जाम होता है। इसके लिए सभी देख सकते हैं। ये जो तीन एग्जाम है, ये मैथ्स वाले दे सकते हैं, ये दो एग्जाम है बायोलॉजी वाले दे सकते हैं, लेकिन ये सभी एग्जाम, ये जो एग्जाम है सभी दे सकते हैं। और कोर्सेज जो है जैसे कि NCHMCT, ठीक है, तो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट वगैरह में, तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है, ठीक है, ये तो कॉमर्स आर्ट मैथ बायोलॉजी सब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जो कि IIT से मान्य होना चाहिए, वो आपको AIEE ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, आप ये एग्जाम जरूर दें एग्रीकल्चर के लिए। अच्छी कॉलेज मिल गई तो अच्छा प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो एक बेहतर कैरियर के लिए आपको इन एंट्रेंस को एग्जाम को देना बहुत जरूरी था। नॉर्मल अगर आप नॉर्मल से डिग्री कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो तुमने 12th क्रॉस करी, ठीक है, इसके बाद नॉर्मल से कोई जाके किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे, क्या यार कौन सी कॉलेज में लिया जिसका खुद का सिलेक्शन नहीं हो रहा, किसी भी एक दो बच्चे को हो रहा, 1000 बच्चों में, लाखों बच्चों में, ठीक है। तो इससे अच्छा क्यों ना ऐसी यूनिवर्सिटी में जा जाए, ऐसे कॉलेज में जा जाए जहाँ एजुकेशन के वाकई में एक्चुअल मान्यता है, वहाँ एंट्रेंस क्यों लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पता है ऐसे बच्चों को केवल एंट्री दी जाती है जो वाकई में लायक हैं। तो लायक बनो ना, एंट्रेंस एग्जाम दो और लायक बनो, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो, चाहे जिस भी फील्ड से हो आप, बिना एंट्रेंस एग्जाम के स्टडी मत करो, मैं तो यही बोलूँगा यार। पुराना जमाना गया जो भी गया, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपको तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बेसिकली जो होता है ना कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 9th 10th से जिनका पहले से फिक्स्ड रहता है CBSE बोर्ड कि जिनका फैमिली से ही फिक्स्ड रहता है कि आपको इंजीनियरिंग करना है, तो उनका पहले से 10th से ही उनकी जो तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, कोचिंग वगैरह लग जाती है, ठीक है, कोटा भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आप क्या बता रहा हूँ कि आप कब से स्टार्टिंग कर सकते हो, आपकी 10th जैसे आपने क्रॉस किया, 10th आपका बोर्ड होता है, 10th जैसे आपने क्रॉस किया, 11th में आए जब तब आपका स्ट्रीम सेलेक्ट हो गया, स्टार्टिंग 11th जो होगी ऐसी रहेगी कि आप 11th को ही समझते रह जाओगे, ठीक है। लेकिन आप स्टार्टिंग ऑफ जैसे आधी 11th हो गई, ठीक है, आधी 11th जब बची वहां से आपको जो तो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है साइड से, ठीक है। फिर 12th में थोड़ी सीरियस हो जाना, ठीक है, और बोर्ड्स भी रहते हैं, आपको सीरियस होना पड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि आप 12th में इधर का एंट्रेंस का पढ़ रहे हो लेकिन 12th का नीचे जा रहा, दोनों को बराबर के लेवल पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यही ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। अगर इसका नहीं पढ़ोगे तो ये किसी काम का नहीं, अगर इसका नहीं पढ़ोगे तो फिर गए काम से, ठीक है, क्योंकि फिर दूसरे कॉलेज में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो फिर ऐसे में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा।
तो इसके लिए अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, अपनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप आधी इलेवंथ या फाइनली ट्वेल्थ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। ये बेसिकली अच्छा टाइम होता है, बेहतर टाइम होता है, एक साल में आप अपना सिलेबस वगैरह कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में आपको अगर डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दें और आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।